भारत हमारा स्वतंत्र देश, जिसके स्वतंत्र सुनने के आभास से ही हमारा मन हिलोरे भरने लगता है। एक ऐसा सपनों भरी उड़ान की धारा में मन बहने लगता है। काश यही सच होता और हम स्वतंत्रता के इस अनुभव को कुछ फिल्मी तरीके से ही सही कुछ समय के लिए उसमें समा सकते। कहने को तो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हम दर्शाते भी ऐसे ही हैं कि हम जैसे स्वतंत्र विचारों वाले, खुले सोच वाले, खुले दिल वाले इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। लेकिन हकीकत पर जब हम गौर करें तो नज़ारा कुछ और ही होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है। जी हाँ, ये बात थोड़ा ख़राब है लगेगा आपको, लेकिन सत्य है। इतने सालों की आज़ादी के बाद भी हम वास्तव में आज़ाद नहीं हुए हैं। कहने को सुनने को हम आज़ाद दिख सकते हैं, लोगों के सामने अपनी प्रशंसा दिखाने और प्रशंसा पाने के लिए ऐसा भ्रम भी रच सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। आज आप भारत देश के किसी भी कोने पे चले जाएं, कहीं ना कहीं इस बात की सत्यता को जरूर परखेंगे। चाहे वो बात नेता राजनेताओं, हमारे घर परिवार रिश्तेदारों की बात हो या फिर वर्किंग कल्चर की बात हो, इस बात को आप नकार नहीं पाइएगा कि वास्तव में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जब हमारा देश भारत अंग्रेज के अधीन था, उस समय हर आदमी के जीवन का उद्देश्य भारत को अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद कराने का था। तब उनके पास इसके अलावा और कुछ भी सोचने के लिए नहीं था। आज स्वतंत्र भारत का परिदृश्य ही कुछ और है। इस स्वतंत्र भारत में बातें तो हम स्वतंत्रता की बहुत करते हैं, चाहे बात दिल्ली गैंगरेप कांड की एक बस में बलात्कार की शिकार हुई पैरामेडिकल छात्र की हो, या हरियाणा की खाप पंचायत की हो, या फिर हर रोज़ छोटी बड़ी बालिकाओं, युवतियों या सरेआम छेड़खाड़ की शिकार होने वाली महिलाओं की हो, धनुर्लभ द्वारा दहेज के लिए दी जाने वाली नारियों की बलि की हो, उन्हें टॉर्चर करना, मारना, काटना, जलाना, ये सब भारत में आम दृश्य हो चुका है। यहाँ तक कि उन्हें आत्महत्या जितना बड़ा घातक कदम उठाने के लिए मजबूर करना और समाज को ये दिखाया जाना कि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान थी इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। कहीं भी नज़रें उठाकर देख लीजिए, इसमें स्वतंत्रता कहाँ दिखाई पड़ रही है। एक तरफ सत्ताधारी नेताओं द्वारा अपराधियों के साथ किए गए गठजोड़ कई असामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, फलस्वरूप दंगे, विस्फोटों और दुर्घटनाओं से देश त्रस्त है। और बात करते हैं स्वतंत्रता की, आज भी स्वतंत्र भारत में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर सचमुच भारत देश स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो फिर उस आज़ादी की, उस स्वतंत्रता की सही मायने में क्या परिभाषा होनी चाहिए, यह आम आदमी की सोच से परे है। फ्रीडम का अर्थ यह कतई नहीं है कि मन में जो करे मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम अनैतिक कृत्य किए जाए, देश के सभी लोग स्वतंत्रता की सही सही आशाएं समझे, नेता वर्ग और आम जनता भी अपनी सीमाएं खुद तय करें, पराए बेटा बेटी को दिल से अपना माने अपने। क्या सही क्या गलत ये करने से पूर्व सोचे, तभी फ्रीडम का असली आनंद उठाया जा सकता है और फिर तब हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय होने के साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र देशवासियों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।